दोस्तों विनेश फोगाट एक प्रसिद्ध भारतीय पहलवान है। राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में वह दोनों स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी। 2019 में उन्हें भारत की पहली महिला एथलीट के रूप में माना गया, जिन्हें लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। विनेश प्रसिद्ध भारतीय पहलवान महावीर सिंह फोगाट की भतीजी हैं और इन्होंने साल 2018 में अपने बॉयफ्रेंड भारतीय पहलवान सोमवीर राठी से शादी कर ली। दोस्तों विनेश फोगाट का जन्म 25 अगस्त 1994 को पिता राजपाल सिंह फोगाट एवं माता प्रेमलता फोगाट के यहाँ हरियाणा राज्य के बलाली गांव में हुआ था। विनेश एक पहलवानों के परिवार से ताल्लुक रखती हैं। विनेश ने अपनी शुरुआती स्कूली शिक्षा हरियाणा के झोजू कला स्थित केसीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल से प्राप्त की। उसके बाद इन्होंने रोहतक शहर के एमडीयू कॉलेज में स्नातक की डिग्री हासिल की। दोस्तों विनेश फोगाट एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखती हैं जिनके परिवार में उनके पिता, चाचा, उनकी चचेरी बहनें सभी पहलवानी करते हैं और इनका एक भाई भी है जिनका नाम हरविंदर फोगाट है। और जब ये छोटी थी तभी जमीनी विवाद को लेकर किसी ने इनके पिता की हत्या कर दी थी। इनका पालन पोषण इनकी माता के द्वारा किया गया है। विनेश फोगाट ने अपने बॉयफ्रेंड सोमवीर राठी को लंबे समय तक डेट करने के बाद हरियाणा के बलाली गांव में दोनों ने एक दूसरे से 13 दिसंबर 2018 को शादी कर ली। इनके पति सोमवीर राठी भी एक भारतीय पहलवान हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 2 बार स्वर्ण पदक जीता है। विनेश फोगाट और उनके बॉयफ्रेंड सोमवीर राठी की मुलाकात साल 2011 में हुई थी। दोनों भारतीय रेलवे के लिए काम करते हैं, जहां वे मिले और दोनों ने एक दूसरे को लगभग 7 साल तक डेट किया और 7 साल के बाद अपने प्यार को शादी के बंधन में बदल लिया। और विनेश फोगाट के चाचा महावीर सिंह फोगाट, जो कि द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता है, ने इनको पहलवानी के दांव पे सिखाए। इनके पिता की हत्या के बाद बचपन से ही इनके चाचा और इनकी चचेरी बहनों ने इनका ख्याल रखा और इनको पहलवान बनने के लिए ट्रेनिंग देते रहे। और साल 2013 में इन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की और साल 2014 में इन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर अपने चाचा की मेहनत को सफल कर दिया। इनके चाचा महावीर फोगाट एवं उनकी बेटियों गीता और बबीता के जीवन के ऊपर एक फिल्म दंगल भी बनी थी, जिसमें मुख्य अभिनेता की भूमिका आमिर खान ने निभाई थी। विनेश फोगाट के पिता राजपाल की हत्या तब की गई थी जब वह बहुत छोटी थी। चाचा महावीर और उनकी माँ प्रेमलता को लड़कियों की कुश्ती और उनके साथ पहनने को लेकर समाज के प्रतिरोध को भी झेलना पड़ा। और साल 2013 में विनेश फोगाट ने जोहान्सबर्ग में आयोजित राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप के 51 किलोग्राम भार वर्ग में बेहतरीन प्रदर्शन का नमूना पेश करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इसी साल इन्होंने इंचियोन में आयोजित एशियाई खेलों के 48 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक भी जीता। और साल 2015 में संयुक्त अरब अमीरात के दोहा शहर में एशियाई चैंपियनशिप के 48 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता। और साल 2018 में इन्होंने 50 किलोग्राम भार वर्ग में जकार्ता में आयोजित एशियाई खेल एवं ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट शहर में आयोजित कॉमनवेल्थ खेलों में गोल्ड मेडल जीता। इसी साल इन्होंने ब्रिस्बेन में आयोजित एशियाई चैंपियनशिप के 50 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक भी जीता। और साल 2020 में भारत के दिल्ली शहर में आयोजित एशियाई चैंपियनशिप के 53 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। और साल 2016 में विनेश को भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 2018 में इन्हें भारत का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और साल 2020 में विनेश को भारत का सबसे ऊंचा खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो दोस्तों विनेश फोगाट के जीवन के ऊपर बना ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के अपडेट आप सब लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।